अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल, एक नई वीडियो के साथ, एक नए रिव्यू के साथ। आज का रिव्यू जो है मेरा वो सनब्लॉक के ऊपर है। लास्ट टाइम मैंने जो है वो सनब्लॉक ड्रामा सेशन के पे बात की थी, तो वो भी मैंने यूज़ करती हूँ। वो मैंने हैंड्स ऑन फीड्स के लिए रखा हुआ है उसकी, क्योंकि जो है ना उसकी प्रोडक्ट थोड़ा ज़्यादा होता है और उसका ये है कि वो इंस्टेंट जो है ना वाइटनिंग प्रोवाइड कर देता है। हैंड्स ऑन फीड्स पर अप्लाई करते ही कुछ आपको लगता है कि आपने जी वाकई कुछ लगाया हुआ है ना, तो इस तरह का वो जो है ना वो सनब्लॉक है। अच्छा, अब ये जो आज जो मैंने रिव्यू करने लगी हूँ, ये जी का SPF 60 है, ये मैं सनब्लॉक यूज़ कर जी। इसमें जो है ये मैक्सिमम प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, UVA एंड UVB दोनों की इसमें प्रोटेक्शन है। और इसमें यहाँ पे मेंशन लिखा हुआ है, मेंशन है कि यहाँ पे इसमें एंटीऑक्सीडेंट भी है। और इसके जो है प्रोज एंड कॉन्स हम डिस्कस कर लेते हैं, क्या इसके प्रोज एंड कॉन्स हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये 30 ग्राम प्रोडक्ट है जी। ये जो है फॉर्मुलेट हुआ है इधर पाकिस्तान में लाहौर में। तो ये क्या करता है जी, आपकी जो है ना स्किन, ऑल्ड स्किन जो है ना वो प्रोटेक्ट करता है। और जो भी जिस तरह का भी सनब्लॉक हो, आपको मैं बताया है कि उसका जो है ना उसको रीअप्लाई करना पड़ता है आफ्टर 4 to 6 hours जो है ना उसको आपने दोबारा रीअप्लाई करना होता है। तो इसमें जी मेंशन है कि आपके एलिमिनेट करता है, एलिमिनेट एक्यूट फोटो सेंसिटिविटी एंड से सेंसिटिव होते हैं तो उनको जो है उनकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है और जो है मैनेज करता है आपकी फोटोडर्म मोटासिस को। उसके बाद ये रिड्यूस करता है UVA UVB इंड्यूस कार्सिनोजेनेसिस, या सबको पता ही होगा स्किन के स्किन कैंसर कॉज करती हैं, उन रेज को जो है ना वो रिड्यूस करता है मैक्सिमम, ताकि आपकी वो स्किन में जो है ना वो पेनिट्रेट ना हो। तो यहाँ पे इसके जो सबसे अच्छी बात ये है कि इसमें जो इसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन है, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है जो कि सनब्लॉक में मस्ट प्रोडक्ट हैं। लास्ट टाइम में मैंने मेंशन किया था आपको कि जब भी आप कोई सनब्लॉक खरीदें तो उसके मेंशन ज़रूर दे दिए। इसके जो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं उनमें सबसे जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, जिंक ऑक्साइड एंड टाइटेनियम डाइऑक्साइड, वो दोनों के दोनों मौजूद हैं। बेंजोफोन भी है, बाकी इसके बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो यहाँ पे नीचे मेंशन है, जो कि आपके इसमें जोजोबा ऑयल भी है, ग्लिसरीन भी है और ये सारे प्रिजर्वेटिव है, पैराफिन्स भी हैं इसमें। तो जो मेन इंग्रेडिएंट्स है जो कि सनब्लॉक में होने चाहिए वो दोनों के दोनों इसमें दोनों तीनों मौजूद हैं। और ये जी इसकी क्लेम करता है कि लॉन्ग लास्टिंग है, नॉन ग्रीजी है, नॉन कोमोडोजेनिक है, हाइपो एलर्जिक है, वाटर रेजिस्टेंस है। तो जी ये जो भी इसने यहाँ पे क्लेम किया हुआ वो सारी की सारी जो इनकी क्लेम्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। लॉन्ग लास्टिंग भी है, ग्रीज भी नहीं करता आपके फेस पे, कोई वाइट कास्ट भी नहीं करता। थोड़ी सी जो है ना कि इसको अगर आप समर्स में इसको लगाते हैं तो थोड़ी सी स्वेटिंग होती है, लेकिन वो भी जब हम मेकअप वगैरह या बीबी क्रीम वगैरह अप्लाई करते हैं तो कोई उसके बाद वो नहीं उसको फील होता कि कुछ भी कोई स्वेटिंग वगैरह नहीं होती। और वाटर रेजिस्टेंस भी है ये, और बहुत अच्छा सनब्लॉक है। मतलब अगर आपने फेस के लिए कोई स्किन केयर के लिए कोई अच्छा मतलब ढंग का अगर आप ढूंढ रहे हैं कोई सनब्लॉक, तो ये बेस्ट सनब्लॉक है UVL Fort का। और इसकी प्राइस है राउंड अबाउट मेरे ख्याल से 500 के राउंड अबाउट है, बहुत ही रीजनेबल है। और ये मेरा मतलब एंड होने वाला, क्योंकि अगर आपने इसको फेस पे यूज़ करना है तो, और इसके सबसे अच्छी बात ये है कि इसकी जो थोड़ी सी अमाउंट भी है ना वो अच्छा खासा आपका फेस जो है ना कवर कर लेती है। मतलब कुछ होते हैं ना कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगाना पड़ता है, नहीं तो उस तरह वाला नहीं है। तो आप इसका थोड़ा सा प्रोडक्ट भी एनफ हो जाता है आपके फेस को कवर करने के लिए। तो मेरी तरफ से ये रिकमेंडेड है अगर आप कोई फेस के लिए अच्छा ढूंढ रहे हैं सनब्लॉक, तो ये मेरी तरफ से बिल्कुल रिकमेंडेड है। आप इसको जाएं ख़रीदें और इसको अपनी डेली रूटीन में ऐड कर लें। आप ज़ाहिर सी बात है एक दफ़ा यूज़ करेंगे तो आप डेफिनेटली इसको अपनी डेली रूटीन में ऐड अप करेंगे। तो आज का ब्लॉग इतना ही, लाइक करें प्लीज़, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट लाजमी कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।